जनता की नज़र, सारे मीडिया की नज़र चुनाव परिणाम पे था। उसी समय शाम में रिजल्ट घोषित किया अचानक से, ताकि धांधली सेटिंग और ये जो फर्जीवाड़ा हुआ, पेपर लिख हुआ, उसको छुपाया जा सके। 8 अभ्यर्थी का 720 में 720 मार्क्स है और रोल नंबर भी लगभग सीरियली ही है, आगे पीछे रोल नंबर है। तो ये कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर धांधली सेटिंग हुई है। पटना पुलिस ने कहा है कि इसमें जो पेपर लीक में संलिप्त पाए गए, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो BPSC TRE 3 पेपर लीक में थे, सिपाही भर्ती पेपर लीक में थे। और ये तो मेडिकल में पेपर लीक तो आज से थोड़े हो रहा है। पूरे मामले की जांच की जाए और जो भी इसमें दोषी हो, पहले तो रिजल्ट कैंसिल हो, परीक्षा कैंसिल हो, और इसकी फर्जीवाड़ा की और पेपर लीक की जांच और जो भी संलिप्त हो, सब पे कठोर कार्रवाई हो। गाँव में लगातार पेपर लीक का जो समस्या है वो आते रहता है, लेकिन अब नीट के एग्जाम में भी पेपर लीक का मामला आया है। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं। बिहार में तो पेपर लीक का समस्या हर बार आते रहता है, लेकिन इस बार नीट के पेपर में भी लीक का मामला आया है, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, उसका भी खुलासा बिहार से ही हुआ है। बिहार पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा था और यहाँ पटना के शास्त्री नगर थाना में FIR दर्ज हुआ, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि पेपर लीक है, पुख्ता सबूत है, लेकिन NTA ने इस चीज़ को नहीं माना और परीक्षा रद्द नहीं किया। और जब परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ है तो पहले से डेट था 14 जून को घोषित करना, लेकिन अचानक से 4 जून को शाम में रिजल्ट घोषित किया। जब पूरे देश की नज़र, आम जनता की नज़र, सारे मीडिया की नज़र चुनाव परिणाम पे था, उसी समय शाम में रिजल्ट घोषित किया अचानक से, ताकि धांधली सेटिंग और ये जो फर्जीवाड़ा हुआ, पेपर लीक हुआ, उसको छुपाया जा सके। और इसमें 67 लोग जो है टॉपर हो गए, सबको 720 में 720 नंबर आया है। 3-4 लोग हो सकते हैं, 5 लोग हो सकते हैं जिसको अपने मेरिट से, ईमानदारी से आया हो 720 में 720, लेकिन 67 व्यक्ति को, माने अभ्यर्थी को, 67 अभ्यर्थी को 720 में 720 आएगा, ये मानने वाली बात ही नहीं है। और उसमें भी हरियाणा के एक सेंटर से 8 अभ्यर्थी का 720 में 7, एक ही सेंटर से 8 अभ्यर्थी का 720 में 720 मार्क्स है और रोल नंबर भी लगभग सीरियली ही है, आगे पीछे रोल नंबर है। तो ये कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर धांधली सेटिंग हुई है। पेपर लीक पहले से था और इसमें जो एम्स का भी, जो अब एडमिशन दिल्ली एम्स में का होता है इसी नीट के थ्रू, तो इसके लिए अब ज़्यादा इसमें मोल जोल चल रहा है और 80 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की बात चल रही है, उसमें सेटिंग का खेल चला है। और इसलिए हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष CBI जाँच हो और इस रिजल्ट को कैंसिल करे, परीक्षा को रद्द करे, क्योंकि ये जो मामला है धांधली सेटिंग का, ये सिर्फ 24 लाख जो अभ्यर्थी हैं उनके भविष्य से या उनके करियर से जुड़ा हुआ ही सिर्फ नहीं है, बल्कि उनके साथ साथ 140 करोड़ देश की आम जो जनता है, आम जनता, उनके स्वास्थ्य से जुड़ा भी मामला है। क्योंकि यही लोग जो फर्जी से परीक्षा पास करके जा रहे हैं, डॉक्टर बनेंगे तो क्या इलाज करेंगे ये लोग? फिर इसमें है कौन लोग कि आपके पास इसके लिए कोई तथ्य प्रमाण है कि आप जो? ये तो पटना पुलिस ने कहा है कि इसमें जो पेपर लीक में संलिप्त पाए गए, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो BPSC TRE 3 पेपर लीक में थे, सिपाही भर्ती पेपर लीक में थे। और ये तो मेडिकल में पेपर लीक तो आज से थोड़े हो रहा है। आपको क्या लगता है किन लोगों का हाथ इसमें है? इसमें बड़े बड़े शिक्षा माफिया, बड़े बड़े कोचिंग, उसमें पटना के भी कोचिंग वाले हो सकते हैं, कोटा के भी हो सकते हैं, और भी जगह के हो सकते हैं, कुछ अधिकारी, कुछ नेता भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन कोचिंग वाले और बड़े बड़े सेटर तो हैं ही और अधिकारी तो हैं ही। बगैर किसी अधिकारी के संलिप्तता की पेपर लीक हो जाएगा, संभव ही नहीं है। NTA के अधिकारी क्या कर रहे हैं? NTA के अधिकारी को जवाब देना चाहिए ना, जब आप एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, आपका पेपर लीक हो रहा है, धांधली सेटिंग हो रही है खुलेआम, उस पर आप चुप्पी साधे। 718-719 नंबर किस तर्क पर आ रहा है? आप कह रहे हैं ग्रेस मार्क दिए, जब निगेटिव मार्किंग है और एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 720 आएगा या 716 आएगा, 718-719 कैसे आ रहा है? आप कह रहे हैं ग्रेस मार्क दिए, तो पहले क्यों नहीं आप बताए कि भाई इस कारण से हम कुछ अभ्यर्थी को, कौन कौन अभ्यर्थी को ग्रेस मार्क देने जा रहे हैं? तो कोई पारदर्शिता नहीं, अपने लोगों को पैसा लेके आप ग्रेस मार्क दे दिए, क्या किए नहीं करे। तो ये पूरे मामले की हम मांग कर रहे हैं सरकार से, केंद्र सरकार से, मोदी सर जी से, कि आप जांच करवाइए। भले अभी वो शपथ ग्रहण नहीं किए हैं, लेकिन सबको पता है कि भाई वो चाहेंगे तो तुरंत हो जाए, और शपथ ग्रहण भी तो होने ही वाला है। तो सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की जाँच की जाए और जो भी इसमें दोषी हो, पहले तो रिजल्ट कैंसिल हो, परीक्षा कैंसिल हो, और इसकी फर्जीवाड़ा की और पेपर लीक की जांच और जो भी संलिप्त हो, सब पे कठोर कार्रवाई हो, 6 महीना से 8 महीना के अंदर स्पीडी ट्रायल करके सजा हो, और जो भी इस पेपर लीक और धांधली सेटिंग में संलिप्त पाया जाए उसकी सारी संपत्ति जब्त हो। अगर सरकारी नौकरी में है तो नौकरी से बर्खास्त करे, जो अभ्यर्थी है उनको 7 साल 8 साल 10 साल के लिए प्रतिबंधित कर दे, कोई भी एग्जाम नहीं दे सकता है वो। ये ऐसा सरकार नहीं करती है तो कोई आपके तरफ से क्या कदम उठाया जा रहा है? देखिए, हम लोग तो लगातार बिहार में आंदोलन करते रहे हैं और अब लगता है जैसे बिहार से बाहर भी अब आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिहार की समस्या नहीं है, ये अब तो केंद्र की भी समस्या, केंद्र में भी अब परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है, धांधली सेटिंग हो रही है। तो हम तो युवाओं से,
छात्र युवाओं से अपील करते हैं कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, तो हम बिहार से बाहर आके भी आंदोलन करेंगे, लेकिन इसके लिए आप लोग को प्रयास करना होगा। चूँकि हमारा कार्य क्षेत्र पिछले 8-10 साल से हम बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार से बाहर हमने लड़ाई नहीं की, हमारे पास उतना संसाधन भी नहीं है, कोई आर्थिक मदद करने वाला भी नहीं है। लेकिन आप लोग अगर आप तैयार होइएगा तो आपके लिए हम आंदोलन करने के लिए राजस्थान कोटा में भी आ सकते हैं, दिल्ली में भी आ सकते हैं, बस आप लोग हमारा साथ दीजिए, आप लोग बोलिएगा हम आने के लिए तैयार है। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप थे, आपने सुना नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है, कोचिंग संस्थान के भी लोग हो सकते हैं या पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं। पटना से निज़ फाउंडेशन के लिए नरोत्तम सिंह।